चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद आज इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सूर्य मिशन के लिए आदित्य L1 को रवाना कर दिया है। ये सूरज पर निगरानी रखने के लिए पहला इंडियन स्पेस मिशन होगा। वैज्ञानिकों को मानना है कि आदित्य L1 मिशन के तहत अलग अलग तरह के डेटा को जुटाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकेगी जिससे जमीन को होने वाले नुकसान के बारे में पहले से ही अलर्ट किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों को इस मिशन से काफी उम्मीदें हैं। आदित्य L1 मिशन की मदद से स्पेस में मौसम की मोबिलिटी, सूरज के तापमान, सोलर स्टॉर्म एमिशन और अल्ट्रावायलेट रेज के जमीन और ओजोन लेयर पर पड़ने वाले इफेक्ट की स्टडी की जा सकेगी। आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। इसे 2 हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से इसरो के अंतरिक्ष केंद्र पर लाया गया था। शनिवार यानी आज 2 सितंबर 11:50 पर इसको लॉन्च कर दिया गया। इसको मिशन तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे क्योंकि L1 पॉइंट की जमीन से दूरी 15 लाख किलोमीटर है जबकि सूर्य की जमीन से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 पहले 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। 16 दिन के बाद आदित्य L1 सही लोकेशन मिलने के बाद बाकी के 109 दिन का सफर तय करेगा। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। सूरज ग्रहण के दौरान भी आदित्य L1 की इस पर नजर रहेगी। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये पेलोड फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का जायजा लेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत का आदित्य L1 मिशन 100% कामयाब होगा। आप सभी से भी अपील है कि आप भी इसके लिए दुआ करें। तो कैसी लगी आपको जानकारी प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।